है अरीना क्लब। यहाँ पहले बहुत खाना खाने आया करते थे, अब काफ़ी अरसे से नहीं आए क्योंकि वो लॉकडाउन में बंद ही हो गया था। और यहाँ पर और शारा फैसल पे हमें तेज़ बारिश मिली है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं अपनी छोटी बहन यानी कि इरम खाला के घर जा रही हूँ, अम्मी अबू वहीं पर हैं और वहीं उनसे मुलाकात करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। वेदर बहुत ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है जी। तो व्यूअर्स वेलकम बैक, मैं आ चुकी हूँ अपू के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपू को मिलने जा रही हूँ, पता लेने जा रही हूँ और अबू से बात करवाते हैं आपकी, और इन्हीं के थ्रू इन्हीं से पूछते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। तो अस्सलाम वालेकुम अबू, मिल तो हम चुके हैं, गले वले शले मिल लिए, आंखों में आंसू सांसू भी आ गए, लेकिन आप लोगों के सामने दोबारा से सलाम लिया है। अबू पहले तो सबसे पहले मेरे तमाम बहन भाई, चाहे कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर है या कहीं से भी इंडिया में किसी भी जगह से, वो सब आपके लिए बहुत दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे बहन भाइयों को भी सेहत और आप लोगों ने दुआएं की, अल्लाह ताला आप लोग हमेशा खुशी रखे, दुनिया भी अता फरमाए। तो अबू मैं जैसे ही आई हूँ तो अबू गले लग के मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आगे बच्चों को भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं और खुद भी रोने लग गए, तो मुझे भी रुला दिया। तो मेरे का अबू खैरियत ना, सब ठीक है, तबीयत ठीक है। असल में ये छोटी बहन के घर इरम खाला की तरफ रुके हुए और मेरी तरफ आए थे संडे को, लेकिन वो फिर अबू की तबीयत ख़राब हो गई थी, अबू थोड़ी देर ही बैठ के वापस आ गए थे ये लोग। तो अम्मी मेरे इस साइड पे बैठी, लेकिन क्योंकि उन्होंने पर्दा नहीं किया हुआ तो मैं उनको नहीं कैमरे के सामने ला रही, लेकिन अलबत्ता आवाज़ आपको सुनवा देते हैं, सलाम करवा देते हैं जी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब ने दुआएं की हैं उनके लिए, आगे भी दुआ करना, इनको अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, ऑपरेशन से बचा ले। आमीन। तो बहुत परेशानी जाहिर सी बातें बन जाती है। और अबू से पूछते हैं, अबू के आप बताएं रिपोर्ट्स में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट जो भावलपुर की थी वो तो उन्होंने रख ली अलग, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आज से जो है ना आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो उन्होंने ना मेरे टेस्ट लिए, ब्लड टेस्ट लिया और सीने का एक्सरे लिया उन्होंने, दिल का और एसी, हाँ, और इको जो है वो उन्होंने ख़ास तौर पे मेरा किया बहुत तसल्ली के साथ। अब वो अभी तक वो जो इको जो उन्होंने किया वो अभी तक इसमें वो नहीं है कि आया ये वाकई इनकी दिल की जल्दी के नीचे पानी है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप वो जो मेडिसिन पहले इस्तेमाल करते हैं वही मेडिसिन 15 दिन और करें, फिर आप आएंगे, आपका फिर इको होगा। अगर 19-20 भी प्रूफ हुआ तो हम आपको दवाओं पे चलाएंगे, क्योंकि आपका ऑपरेशन जो है ना एक रिस्क होगा। हाँ, तो इसलिए जो है ना आप ये 15 दिन करने के बाद फिर आपका इको होगा, उसके बाद हम आपको रिपोर्ट देंगे कि आया आपको दवाओं पे चलाना है या फिर हमें ये रिस्क लेना है, सर्जरी की तरफ जाना है। तो ये अबू हम सब दुआ करते हैं, प्लीज़ आप लोग भी मेरे अबू के लिए बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको सर्जरी से बचाए और दवाइयों का असर दिखाए, तो दवाइयों से ही ये सारा मामला जो है वो ठीक हो जाए, जो कि अबू के दिल के बाहर झिल्ली है, उस झिल्ली के अंदर पानी जमा हो गया है और वो बैक साइड यानी कि कमर वाली साइड पे ज़्यादा है। बहरहाल भावलपुर के अंदर भी इनका छोटा सा जो मैंने बताया था कि ऑपरेट किया गया था और पानी निकाला गया था, लेकिन वो उसमें पानी निकला था लेकिन ब्लड आ गया था जिसकी वजह से कुछ तोड़ दिया गया था, और फिर सर्जन ने आके दूसरे दिन निकालना था लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं ये हम इसको नहीं अभी छेड़ सकते, अभी इनको दवाइयाँ देंगे। तो वही दवाइयाँ अबू बता रहे हैं कि यही डॉक्टर से कहा है कि वही दवाइयाँ आप खाएं 15 दिन, उसके बाद हम देखेंगे और फिर आपका दोबारा से जो भी उन्होंने रिपोर्ट करनी होगी करने के बाद फिर वो डिसीजन लेंगे कि आया पहले से कुछ फ़ायदा हुआ है दवाइयों पे कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर वो सर्जरी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो चांस यही कम लेना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि दवाइयों से ही ये ठीक हो जाए क्योंकि उम्र का भी तकाजा है। अब वो मेरी फैमिली का सर, हम तो बच्चे, हम तो दिन रात दुआ कर रहे हैं, जिस दिन से पता चला हुआ है, अब ये चीज़ें बताने की नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप सब से भी दुआ करवानी है तो इसलिए आप सब भी मेरे अबू के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको जो है वो जल्द अज जल्द ठीक कर दे और दवाइयों से ठीक कर दे, ना ही ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े, ना ही कोई इस तरह की डिसीजन डॉक्टर ले।
और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द अज जल्द ठीक करें, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि इसी तरह ये हमारे लिए आपके लिए दुआएं करते रहें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आप सब व्यूअर्स को खुश रखे, शाद व आबाद रहे, इसी तरह अल्लाह ताला आपको नेक औलाद दे। तो मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला से सेहत मांगे, बाकी सब चीज़ें तो आने जाने चीज़ें। बेटा बच्चों, सेहत है तो जान है। और मैं आप तुम जो मेरे बच्ची के फ्रेंड हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, बहन भाई भी हैं। मैं सबसे यही आऊँगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको शाद व आबाद। बस फिर जब उसे रिक्वेस्ट की थी कि अब मेरे बहन भाइयों के लिए कुछ बोल ले, ये सभी आपका पूछते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग सब मेरे अब के लिए जो है वो अम्मी के लिए भी, क्योंकि अम्मी का भी बैक में प्रॉब्लम रहता है, तो अम्मी अब दोनों के लिए सेहतमंद लंबी ज़िंदगी की दुआ करिएगा। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वाला आ गया, ओ देखिए चला गया साइड से। दस बजकर 17 मिनट हो गए और हम अम्मी को और अबू को मिलकर बहन की तरफ से आ गए हैं घर की तरफ, लेकिन अभी घर नहीं पहुँचे हैं। और ये देखें बारिश कितनी तेज़ हो रही है, जब से हम बहन की तरफ से निकले हुए, पता नहीं कब से बारिश थी, जब हम गए थे तब भी बारिश थी लेकिन हल्की थी, अब तो तेज़ बारिश हो रही है। और बच्चे और ज़ुल्फ़िकार साहब गए हैं सामने कुछ लेने के लिए, सुबह का नाश्ता भी लेना था और इन्होंने अभी भी कुछ खाना था, तो इसलिए ये लेने के लिए गए। तो ये नाश्ता वगैरह और खाने की चीज़ें आ गई, ब्रेड, हलीम, हलीम लाया। बारिश हो रही है, ये देखिए बच्चों के कपड़े, बारिश हो रही है।